हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैरेबियन प्रीमियर लीग के 10th मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा सेंट लूसिया स्टार और बारबाडोस ट्रिनिडैंड के बीच। और यह मैच खेला जाएगा 18 अगस्त की सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार। और यह मैच होगा वेस्ट इंडीज़ के सेंट लूसिया में। तो आइए, ये जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले अगर मैं बारबाडोस ट्रिनिडैंड की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं, तो उनके पास कप्तान जेसन होल्डर, निकोलस पुरन विकेटकीपर, ड्वेन स्मिथ, हशीम अमला, मार्टिन कप्टिल जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों, और स्टीवन स्मिथ जैसे बल्लेबाज हैं। वहीं अगर मैं सेंट लूसिया स्टार की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं, तो उनके पास कप्तान कैरन पुलार्ड, आंद्रे फ्लेचर, डेविड वार्नर जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं, तो मुझे लगता है कि बारबाडोस ट्रिनिडैंड का पल्ला भारी है, क्योंकि उनके पास मार्टिन कप्टिल और जैसे हशीम अमला जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। वही अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं, तो मुझे बारबाडोस ट्रिनिडैंड का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, तो मैं 60 दूंगा बारबाडोस ट्रिनिडैंड की बल्लेबाजी को और 40 दूंगा सेंट लूसिया स्टार की बल्लेबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले अगर मैं बारबाडोस ट्रिनिडैंड की गेंदबाजी पर नज़र डालूं, तो उनके पास सनी सोहेल, शमा स्प्रिंगर, साई होप, रॉस्टन चेस जैसे गेंदबाज है दोस्तों, एशले नर्स जैसे गेंदबाज है और मोहम्मद इरफान जैसे गेंदबाज है। वही अगर मैं सेंट लूसिया स्टार की गेंदबाजी पर नज़र डालूं, तो उनके पास मिचेल मैक्लारिगन, मोहम्मद शमी और जसकरण मल्होत्रा जैसे गेंदबाज है दोस्तों। तो अगर पल्ला भारी की बात करूँ, तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि मुझे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही बारबाडोस ट्रिनिडैंड स्ट्रांग लग रही है। और अगर मैं गेंदबाजी की पॉइंट्स की बात करूँ, तो मैं 52 दूंगा बारबाडोस ट्रिनिडैंड को और 48 दूंगा सेंट लूसिया स्टार की गेंदबाजी को। अब आइए इस पर नज़र डालते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम मैच जीत सकती है और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। तो ये मैच होगा वेस्ट इंडीज़ की सेंट लूसिया में, पर मैं बैक करूंगा ये मैच जीतने के लिए बारबाडोस को। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से बारबाडोस ये मैच जीत जाएगी। और अगर मैं चांसेस की बात करूं, तो 62% चांसेस है बारबाडोस ट्रिनिडैंड के मैच जीतने के और 38% चांसेस है आपका सेंट लूसिया स्टार के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है, इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है ये मैच बारबाडोस ट्रिनिडैंड नहीं सेंट लूसिया स्टार जीतेगी, तो आप सेंट लूसिया स्टार के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, Enjoy life.